ये हुआ था, कहीं एक आदमी था, उसका असली नाम हम भूल गए हैं, उसे लोग उंगली माला के नाम से जानते थे। उसे कुछ हुआ और उसे लगने लगा कि समाज उसके प्रति गलत किया है। वो एक क्रोधित इंसान बन गया। आपको पता है, जब आप कम उम्र में होते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ सभी चीजें गलत हो रही है, तो वो समाज से बहुत क्रोधित हो गया और एक व्रत लिया कि वो उस समाज के 101 इंसान को मारेगा। वो 101 इंसान को मारेगा और सभी का उंगली काट कर माला बनाकर गले में पहनेगा। वो ऐसा करता रहा। उस समाज के सभी लोग डरने लगे थे। वो एक जंगल में रहता था और उसके घर के सामने एक मुख्य मार्ग था। लोग जाते थे और मारे जाते थे। कुछ सालों में वो 100 इंसान मार दिया। उसे बस एक आखिरी इंसान की जरूरत थी अपनी व्रत पूरा करने के लिए। तो एक दिन गौतम बुद्धा उस गांव में आए। अब जब वो उंगलियों की माला पहन रखा था, तो लोग उसे उंगली माला के नाम से जानने लगे थे। उसे बस एक आखिरी उंगली चाहिए थी अपनी व्रत पूरा करने के लिए। गौतमा आए और उस रास्ते की ओर जाने लगे। लोगों ने उसे मना करते हुए बोले, उस ओर मत जाइए, वो एक जानवर है, इंसान नहीं है। ये वो इंसान नहीं है जिसे आप शिक्षा दे सके। आप उस रास्ते में मत जाइए, उसे बस एक और इंसान को मारना है और हम नहीं चाहते कि वो आप हो। गौतमा बोले, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा, और उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। उसे बस एक और इंसान चाहिए, और यदि मैं नहीं जाता हूं तो फिर कौन जाएगा, मुझे जाने दो। वो गए। उंगली माला अपनी चट्टान पर बैठा हुआ था। वो देखा एक साधु शांति से उसकी ओर आ रहा है। उंगली माला अब अपनी दहशत से खुश हो रहा था। लोग उससे डरते थे, उसे वो पसंद आने लगा था। जैसे ही उसका नाम लिया जाता था, लोग डर से कांपने लगते थे और उसे ये देख मजा आता था। वो बैठे बैठे चिल्लाया, मैं यहां हूं और तुम्हारा मृत्यु सामने है। गौतमा उसके ओर देखे और मुस्कुराते हुए जाने लगे। उंगली माला को यह अच्छा नहीं लगा। आमतौर से लोग उसका आवाज सुनते ही जान बचा के भागते थे। उसे यह देख अच्छा लगता था। गौतमा शांति से चले जा रहे थे। उसे यह देख बुरा लगा। वो अपना पत्थर से कूद के उसके सामने खड़ा हो गया। वो अपना माला दिखाते हुए बोला, तुम कौन हो और जानते हो मैं कौन हूं? गौतमा बोले, हाँ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसमें क्या है? और वो जाने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम चले जा रहे हो। गौतमा बोले, मैं जाना बंद कई साल पहले ही कर दिया हूँ। हम पहुँच चुके हैं, तुम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। उंगली माला हंसे और बोले, क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम एक पागल इंसान हो। मैं खड़ा हूं और तुम कह रहे हो मैं जा रहा हूं, और तुम जा रहे हो और कह रहे हो मैं कहीं नहीं जा रहा, क्या हुआ है तुमको? गौतमा बोले, नहीं नहीं, मैं बहुत पहले ही पहुंच चुका हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं पता। तुमको मेरी उंगली चाहिए या गला? मेरी गला काट कर पहनो,
तुम्हारे पास उंगली का माला है, मेरी गला काट कर पहनो, अच्छा लगेगा। मैं पहुंच चुका हूं। मैं शारीरिक रूप से रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो इच्छा है कर लो। देखो, किसी को मारने की खुशी तभी होगी जब वो डरा हुआ होगा और वो मरना नहीं चाहता होगा। जब कोई मरना चाहता है उसे मार के क्या मिलेगा? यदि आप इसको मार भी देते हो तब भी आपको 101 इंसान मारने की संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंसान मारने की खुशी आपको नहीं दिया। उसने कहा, रुको, ये सब क्या है? तुम चले रहे हो लेकिन बोल रहे हो मैं पहुंच चुका हूं, मैं रुका हुआ हूं लेकिन तुम बोल रहे हो तुम चल रहे हो। तुम संतुष्टि की तलाश कर रहे हो, 101 की। मैं संतुष्ट हूं, ये बहुत बड़ी अंतर है। यदि तुमको लगता है तुम संतुष्ट हो जाओगे तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि यही मेरा कर्म है, दूसरे को संतुष्ट करना। यदि तुमको लगता है मेरा जीवन लेने से तुमको शांति मिलेगी तो ले लो मेरी जान, इसमें क्या दिक्कत है? उंगली माल अब उसके शिष्य बन गए। गौतमा बोले, अब तुम उस गांव में जाओ जहां के 100 लोगों को तुमने मारा है। एक छोटी सी गांव में 100 इंसान, मतलब सभी अपने किसी न किसी परिवार के सदस्य को खोए हैं। गौतमा उंगली माला को एक साधु बना दिए। गौतमा की शिष्य को भिक्षु कहा जाता था, भिक्षु मतलब भिखारी। तो वो उसे एक पीला कपड़ा और एक भीख मांगने का कटोरा दिए। वो बोले, जाओ कुछ खाना ढूंढो उस गांव में। उंगली माला उस गांव में एक सन्यासी के वेश में आए। लोग डर के भागने लगे, अपने छत पे चढ़ गए। जब सब ने ये देखा कि उंगली माला वो डरावना नहीं रहा, वो सभी पत्थर मारने लगे। उंगली माला को पत्थर लग के उसके शरीर में हर जगह से खून बहने लगा। जब लोगों ने पत्थर कुछ ज्यादा ही बरसाने लगे, गौतमा वहां आए और रुकने को बोले। और वो बोले, ये वो इंसान नहीं है, अब ये मेरा हिस्सा है। तुम सभी मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हो, रुक जाओ, इसे मारकर कुछ नहीं मिलने वाला। इसे अपने भूल का एहसास हो चुका है। आप सभी इस इंसान को नहीं खो सकते। उंगली माला एक बहुत बड़ा शिष्य बन चुका था। अब वो देश के सभी जगह जा जाकर बुद्धा की ज्ञान बांटने लगा। तो ये मतलब नहीं रखता कि आप किस प्रकार की संतुष्टि ढूंढ रहे हो। आप सोचते हो ये पढ़ाई कर लेने से होगा। जब आप पढ़ाई कर लेते हो आपको लगता है कि आप एक बेवकूफ हो। यदि एक नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई का क्या उपयोग? आपको एक नौकरी मिल गई, आपको बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद आपको लगा आप एक बेवकूफ हो, क्या फायदा है इन पैसों का यदि मैं अपना सपनों की आदमी या औरत को ना पाऊं। ये हुआ। फिर कुछ समय बाद आपको लगा फिर बेवकूफ हो गए। ये चलता रहता है। इच्छा सिर्फ विस्तार करने के लिए है, यही आपकी इच्छा है। यदि आप भौतिक सामग्री से विस्तार करना चाहते हैं आप कर सकते हो। आप जाओ उतनी दूर और दूर और दूर जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा रह जाएगी, हाँ या ना? यदि मैं आपको इस धरती का राजा बना देता हूँ तो आप दूसरी ग्रह की ओर देखेंगे। यदि मैं आपको सूर्य प्रणाली देता हूँ आप आकाश गंगा की चाह करोगे। यदि मैं आपको एक आकाश गंगा दे दूं आप दूसरी आकाश गंगा की ओर देखोगे। अभी आप ये वो नहीं देख रहे, आप बस विस्तार देख रहे हो। यदि आप ध्यान पूर्वक देखोगे आप योग बन जाओगे। योग का मतलब घूमना और मरोड़ना नहीं है।
आप योग से आप बाकी दुनिया की रचनाओं के संग में आएंगे। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये एक बाध्यकारी इच्छा बन जाएगी। बस इतना ही।